आपको पता है पूरी रात में सबसे ज्यादा अंधेरा कब होती है? जब सुबह होने वाली होती है। जब भी घना अंधेरा हो तो समझ जाइए कि सुबह होने वाली है और रात जाने वाली है। और ऐसा ही एक इंसान के जीवन में भी होता है। जब भी आपके जीवन में दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तो समझ जाना आपके अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। लोग कहते हैं दुख और सुख दोनों अलग अलग चीज है, परंतु वास्तव में ये दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। सुख का मजा तब ही मिलेगा जब दुख भी मिला हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी हमारे शरीर के अंग जैसे कि आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सभी सही से काम कर रहे हैं और इससे अभी हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन हमें फर्क तब पड़ता है जब हम सालों से देख या सुन नहीं पाते और अचानक हमारी आंखों में रोशनी और कानों में आवाज आने लगती है, तो उस समय हमें कितनी खुशी होती है, हमारे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जब कोई कई दिनों से भूखा हो और उसे अचानक भरपेट खाना मिल जाए, तब सोचिए उसको कितनी खुशी मिलती है। मतलब कि खुशी का असली मजा तब ही मिलेगा जब दुख भी मिला हो। और असल में देखा जाए तो दुख हमारे जीवन में दुख नहीं बल्कि खुशी की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। और दुख ना हो तो सुख की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब कि सुख का वजूद है दुख की वजह से। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो अपना धैर्य ना खोए। दुख आई है मतलब कि खुशियां भी बहुत जल्द ही आने वाली है। और जब भी हमारे जीवन में खुशियां आए तो अहंकार, घमंड इन सबसे कोसों दूर रहे और उन लोगों को कभी ना भूले जिन्होंने आपका दुख में साथ दिया। क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि अभी सुख है तो दुख भी आने वाला है। अगर वास्तव में सुखी रहना चाहते हो तो कभी भी ये मत सोचो कि आपको हमेशा सुख ही मिले, दुख कभी मिले ही ना। बल्कि हमेशा ये सोचो कि कैसे मैं दुख और मुसीबत दोनों को हरा पाऊं। क्योंकि दुख तो स्वयं भगवान को भी मिलते हैं, तो हम इंसान क्या चीज है। मुसीबतों से डरने के बजाय उनसे लड़ना सीखो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।